मुझे बताओ, सपोज आपके पास में टू वेक्टर क्वांटिटी है, ए बार डॉट ए बार. सो दिस ए बार डॉट ए बार वी कैन राइट वेक्टर ए बार्स मैग्नीट्यूड ना सीयर. सपोज वी हैव गिवन वेक्टर ए बार इज इक्वल्स टू ए वन आई कैप, ए टू जे कैप एंड ए थ्री के कैप. गिवन वेक्टर ए बार इज इक्वल्स टू दिस वन. नाउ इफ यू टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बार विथ वेक्टर ए बार, सेम वेक्टर उसी के साथ में उसका डॉट प्रोडक्ट अगर ले रहे हैं, सो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई आई की क्वांटिटी का प्रोडक्ट जिसमें ये आई की क्वांटिटी है ए वन, उसी का उसी के साथ में प्रोडक्ट. मतलब दैट मीन्स वी गेट हियर ए वन स्क्वेयर. सिमिलरली जे जे क्वांटिटी का प्रोडक्ट दैट इज ए टू स्क्वेयर एंड हियर इट इज ए थ्री स्क्वेयर. क्या हमारा दिस इज अवर इक्वेशन वन. नाउ इफ यू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बार अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर इज ए वन स्क्वेयर प्लस ए टू स्क्वेयर प्लस ए थ्री स्क्वेयर. ये स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड तो वी गेट मॉड ऑफ ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए वन स्क्वेयर प्लस ए टू स्क्वेयर प्लस ए थ्री स्क्वेयर. दिस इज इक्वेशन टू. इफ यू कंपेयर इक्वेशन वन एंड टू तो इट इज क्लियर दैट हियर वेक्टर ए बार डॉट ए बार इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बार स्क्वेयर. और ये लास्ट टाइम हमने एक एग्जाम्पल भी किया था जहाँ पे सिंपल आर का मीनिंग क्या है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ पोजिशनल वेक्टर आर बार. सो इसी के बेसिस पे मतलब ये कंडीशन और ये कंडीशन इसी के बेसिस पे हम ये नेक्स्ट वाला कंसेप्ट भी लिख सकते हैं. ये डेल्टा इज नथिंग बट वी नो दैट डेल्टा इज रिप्रेजेंटिंग वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर. सो इट इज अ डिफरेंशिएशन पार्शियली विथ एक्स वाई जेड. इट इज अ वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर. नाउ इफ यू टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा विथ डेल्टा तो डेल्टा डॉट डेल्टा तो आई आई की क्वांटिटी का जब प्रोडक्ट होगा तो आई की जो क्वांटिटी उसका क्या हो जाएगा स्क्वेयर. सो इट इज ए डेल बाय डेल एक्स स्क्वेयर प्लस जे क्वांटिटी स्क्वेयर प्लस डेल बाय डेल जेड. नाउ वी नो दैट डेल्टा डॉट प्रोडक्ट विथ डेल्टा इज नथिंग बट डेल्टा स्क्वेयर बिकॉज मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर होता है. डेल्टा के ऊपर वैसे भी बार नहीं लिख रहे और सिंपली अगर ये टर्म है तो विदाउट बार आप इस तरह से लिख सकते हैं. सो डेल्टा डॉट डेल्टा इज नथिंग बट डेल्टा स्क्वेयर इज इक्वल टू हियर इट इज अ स्क्वेयर. सो वी कैन राइट इट इज अ डेल स्क्वेयर बाय डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर बाय डेल वाई स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर बाय डेल जेड स्क्वेयर. एग्जाम्पल किस तरह से पूछते हैं, इफ आर बार इज द पोजिशन वेक्टर देन प्रूव दैट नंबर वन डेल्टा डॉट आर एस टी पावर एन इंटू आर बार इज इक्वल्स टू थ्री प्लस एन इंटू आर एस टी पावर एन एंड सेकेंड इज डेल्टा स्क्वेयर आर एस टी पावर एन इज इक्वल्स टू आर एस टी पावर एन माइनस टू इंटू एन एन प्लस वन. सो आइदर इसमें ये डॉट प्रोडक्ट ऐसे पूछेंगे या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं और में फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ आर एस टी पावर एन इंटू आर बार. आर बार डिनोट्स द पोजिशनल वेक्टर. पोजिशन That is any point. Suppose we take any point on the curve. It is a point is P of x, y, z. Then position vector r bar. अगर positional vector है, तो that means it is nothing but r bar is a positional vector of any point on the curve. So r bar is nothing but x i cap, y j cap, and z k cap. Okay. Simply if we write simple r. So simply r का meaning क्या होता है? No vector. That means it is a magnitude of vector r bar which is a under root of x square plus y square plus z square. Okay. Now here this question required r raised to the power n. यहाँ पे कोई bar नहीं है. So simply magnitude का कितना power लिया है n. So if we take nth power, then here it is a r raised to the power n is equals to under root of x square plus y square plus z square. Raised to power n, and this term we may write in the form of x square plus y square plus z square raised to power n by 2.
Now here first we have to find delta dot r raised to power n into r bar. So for first term, delta dot r raised to power n into r bar. Here delta dot of this quantity. So by definition of delta, it is a del by del x I cap, del by del y j cap, del by del z k cap. Here r raised to power n is a constant, so r raised to power n अगर कांस्टेंट है तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं. एंड आर बार इज नथिंग बट पोजिशनल वेक्टर जिसकी वैल्यू है एक्स आई क्या वाई जे क्या जेड के क्या. यार आर एस टू पावर n से अगर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे तो ये फर्स्ट क्वांटिटी होगा आर एस टू पावर n इंटू एक्स प्लस आर एस टू पावर n इंटू वाई जे क्या. थर्ड इज आर एस टू पावर n इंटू जेड के क्या. एंड इफ यू टेक डॉट प्रोडक्ट बिटवीन दिस टू वेक्टर्स then here first operator is operate on first term, so it is nothing but del by del x of r raised to power n into x plus second is del by del y of r raised to power n into y and third is del by del z of r raised to power n into z. Here we have to use product rule because r is not a simply variable, it is a function of x y z. So here x contain in R as well as in product term. So if we apply product rule here, then here first term as it is derivative of second. So x का derivative हो गया 1 plus derivative of first term. So first term मतलब n r raised to power n minus 1. R is a function. So again derivative of R partially with respect to x and here second term x as it is. और जैसे ये first term के लिए हो रहा है, similarly ये second and third के लिए होगा. सो जस्ट इस एक्स के जगह पे वाई लिख दो तो वी गेट डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म एंड एक्स के जगह पे जेड तो वी गेट डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म. सो हियर प्लस सेकेंड इज आर एस टू पावर एन प्लस एन आर एस टू पावर एन माइनस वन अगेन डेरिवेटिव ऑफ आर तो इट इज डेल आर बाय डेल वाई एंड दिस वाई इज एज इट प्लस आर एस टू पावर एन प्लस एन आर एस टू पावर एन माइनस वन डेल आर बाय डेल जेड into z. मुझे बताओ ये डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू हमने इसके पहले एक एग्जाम्पल में निकाल के रखी थी कितनी आएगी ये डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू. नहीं याद होगा तो इसको डिफरेंशिएट x by करो r x by r करेक्ट है. इस टर्म को सिंपली अगर डिफरेंशिएट करते हैं x से तो वी गेट डेल आर बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट के टर्म का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन ट्वाइस अंडर रूट ऑफ दिस टर्म. सो इट इज ए 1 अपॉन ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट टर्म सो इट इज ए ट्वाइस एक्स जिससे ये टू टू कैंसिल आउट होगा और ये अंडर रूट इज नथिंग बट अवर आर. सो डेल आर बाय डेल एक्स इज नथिंग बट एक्स बाय आर. अगर डेल आर बाय डेल एक्स पता है तो डेल आर बाय डेल वाई क्या होगा वाई बाय आर एंड डेल आर बाय डेल जेड इज जेड बाय आर. सो ये वैल्यूज को अगर यहाँ पे पुट अप करते हैं तो यर इट इज ए आर एस टी पावर एन प्लस एन r raised to power n minus 1 it is a x by r so x by r and this x is nothing but x square by r. similarly remaining terms mein values ko put up karo so it is a plus r raised to power n n r raised to power n minus 1 it is a y square by r plus third bracket is r raised to power n n r raised to power n minus 1 z square by r. here first तीनों का जो first term है ये same है it is nothing but 3 times r raised to power n and जो तीनों के bracket में से ये जो second term है ना इसमें से हम common term बाहर निकाल सकते हैं. so common क्या है n r raised to power n minus 2 because this denominator term if we shift into numerator so n r raised to power n minus 2 is common. तो रिमेनिंग इज हियर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर. कैन वी रिप्लेस दिस टर्म विद इन द फॉर्म ऑफ आर इज इट पॉसिबल टू रिप्लेस दिस टर्म इन द फॉर्म ऑफ आर. यस मैम. यस मैम. या एंड हाउ टू रिप्लेस दिस इट इज नथिंग बट आर स्क्वेयर. या इट इज ए आर स्क्वेयर. सो हियर एन आर रेज टू पावर एन माइनस टू एंड इट इज नथिंग बट आर स्क्वेयर. So both is in R, in the power of R. So if we add this power, so it is R raised to power N.
And r raised to the power n is also contained in first term. So if we take r raised to the power n common, then remaining is 3 plus n. Hence, the answer of first term, that is delta dot r raised to the power n into r bar is equals to. Second वाला try करो. Yes, second. सेकेंड पार्ट का जो प्रूफ है उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा. इट इज डेल्टा स्क्वेयर आर रेस टू पावर एन इज इक्वल्स टू एन एन प्लस वन आर रेस टू पावर एन माइनस टू. तो यहाँ पे प्लस वन होना चाहिए, इतना करेक्शन करना है. नाउ वी डिस्कस द प्रूफ. नाउ सी हाउ टू प्रूव दिस सेकेंड पार्ट. हियर डेल्टा स्क्वेयर आर रेस टू पावर एन एंड बाय डेफिनेशन ऑफ डेल्टा स्क्वेयर इट इज ए सेकेंड डेरिवेटिव with respect to x plus of second derivative with respect to y plus del square z del square by del z square. Now here apply this operator delta square on r raised to the power n. So delta square in bracket r raised to the power n equals to here del square by del x square plus del square by del y square plus del square by del z square r raised to the power n. Now this delta square operator r raised to the power n के ऊपर operate कर रहे हैं. तो हर एक derivative, partial derivative with respect to x या r raised to the power n के ऊपर apply होगा. Similarly second. So we get this term. Now इसके लिए हमें जो ये एक एक टर्म हम सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे और एक टर्म फाइंड आउट करने के सिमिलरली हम रिमेनिंग टर्म्स के लिए लिख सकते हैं. वी नो दैट सिंपली इफ वी राइट द आर देन इट इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ आर एंड द वैल्यू इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर. सो आर रेस टू पावर एन इज नथिंग बट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर रेस टू पावर एन बाय टू. नाउ टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. हम ये फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं. सो इट इज ए डेल आर एस टू पावर एन बाय डेल एक्स इज इक्वल टू पार्शल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो हियर दिस ब्रैकेट कंटेन एक्स तो डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट टर्म इज एन बाय टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर रेस टू पावर एन बाय टू माइनस वन. अगेन डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट टर्म सो इट इज 2x. So if we simplify this term, then we get here n x square plus y square plus z square raised to the power n minus 2 by 2 into x. This 2 and this division 2 get cancelled. यहाँ से हमने ये 2 को cancel out किया और remaining term. नाउ इस टर्म का हमें अगेन डेरिवेटिव निकालना है. तो इतना बड़ा टर्म लिखने से बेटर वे कि ये जो टर्म है उसको हम आर से रिप्लेस कर सकते हैं. अगर आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ दिस टर्म है सो आर स्क्वेयर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा. इफ यू राइट आर स्क्वेयर इक्वल्स टू तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर. सो हियर आर स्क्वेयर इज नथिंग बट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर. सो इंस्टेड ऑफ दिस ब्रैकेट यू मे राइट इट इज ए आर स्क्वेयर और देन ये टू टू को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली ये वन अपॉन टू का जो टर्म है ये सीधा सीधा आर के फॉर्म में रिप्लेस हो गया. जैसे सपोज हियर ये जो है वन बाय टू पावर में बैठा है तो वन बाय टू किसका पावर है ये ब्रैकेट का. तो ब्रैकेट रेस टू पावर वन बाय टू दैट मीन्स दिस वन. सो ये डायरेक्टली आर में कन्वर्ट होके ये हो जाएगा आर रेस टू पावर एन माइनस टू क्योंकि हाफ तो हमने आर में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया है. रिमेनिंग टर्म इज एक्स. आइदर इस तरह से लिखो. अगर ये कन्फ्यूज होता है कि कैसे क्या आ रहा है तो आप इंस्टेड ऑफ दिस टर्म ये आर स्क्वेयर लिख सकते हैं. मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज आर स्क्वेयर. सो आर स्क्वेयर लिखने से क्या होगा इट इज ए आर स्क्वेयर रेस टू पावर एन माइनस टू बाय टू इंटू एक्स. सो अल्टीमेटली ये मल्टीप्लीकेशन का टू और डिविजन का टू कैंसिल आउट होके ये टू और ये पावर में भी वन अपॉन टू कैंसिल होके वी गेट दिस टर्म. नाउ दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर रेस टू पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. बट वी रिक्वायर द सेकेंड डेरिवेटिव. सो अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफ्रेंशिएट पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो वी गेट डेल स्क्वेयर आर रेस टू पावर एन बाय डेल एक्स रेस टू पावर. सो वी गेट डेल स्क्वेयर आर रेस टू पावर एन
by del x square is equals to, here n is constant and this r contain x as well as here it contain the x. So we have to use product rule. So derivative of first term is n minus 2 r raised to the power n minus 3. Again derivative of r, because r is a function of x, y, z. So it is del r by del x and second term x as it is. So first term ka humne yahan pe derivative likha hai. Then plus first term as it is and second term ka derivative. So x ka derivative hoga 1. Now here put the value of del r by del x. Jo del r by del x first part ke andar humne solve karke rakha hai. Aur iska derivative kya tha? It is a x divided by r. So put this value here. So we get n in bracket n minus 2 r raised to the power n minus 3 and here x by r into x plus r raised to the power n minus 2. Now here this r we can take numerator, then so therefore we get n in bracket n minus 2 r raised to the power n minus 4. ये डिवीजन का r अगर न्यूमरेटर में शिफ्ट करते तो पावर में एक x ऐड हो जाएगा. नाउ हियर x इंटू x एक्स स्क्वायर प्लस r रेस्ट टू पावर n माइनस 2. इट इज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ r रेस्ट टू पावर n पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू x. वंस वी नो द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर r रेस्ट टू पावर n बाय डेल एक्स स्क्वायर, सो सिमिलरली वी कैन राइट फॉर डेल स्क्वायर आर रेस टू पावर एन बाय डेल वाई स्क्वायर. जस्ट एक्स के जगह पर वाई लिख के, वाई बिकॉज ये जो आर आपका ओरिजिनल फंक्शन है इसमें एक्स और वाई को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर एक्स एंड वाई इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका मतलब है आपका ये जो फंक्शन है इसमें आप डायरेक्टली एक्स और वाई को इंटरचेंज कर सकते हैं. तो इस इक्वेशन में भी हम एक्स और वाई को इंटरचेंज कर सकते हैं. सो हियर सिमिलरली del square r raised to the power n by del y square equals to n in bracket n minus 2 r raised to the power n minus 4 x y raised to the power 2 plus r raised to the power n minus 2. इसी इक्वेशन में x और y को इंटरचेंज किया, तो x एंड y इंटरचेंज करोगे तो यहाँ पे x के जगह पे y आएगा और r के अंदर तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है. सो r का r एज इट इज है. और ये हम तभी कर सकते हैं जब आपका एक्चुअल फंक्शन में एक्स एंड वाई इंटरचेंज करने से अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है तभी ये पॉसिबल है. नाउ उसी तरह से आप एक्स और जेड को भी इंटरचेंज करोगे तो स्टिल फंक्शन रिमेन सेम. सो देयरफॉर हम जेड के लिए भी क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे. सो हियर डेल स्क्वायर आर रेस्ट टू पावर एन बाय डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन इन ब्रैकेट एन माइनस टू r raised to the power n minus 4 z raised to the power 2 plus r raised to the power n minus 2. Now add this three equation because हमें जो delta square r raised to the power n चाहिए तो उसमें क्या है इन तीनों का addition. So add this three equations. So we get delta square r raised to the power n equals to इन तीनों का addition that is nothing but del square r raised to the power n. नाउ राइट साइड का अगर टर्म ऑब्जर्व करते हैं तो राइट साइड में तीनों ब्रैकेट के सामने जो n है वो कॉमन निकल जाएगा बिकॉज तीनों टर्म में कंटेन है. तो n इन ब्रैकेट. नाउ फर्स्ट फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर के फर्स्ट टर्म का एडिशन, उसमें भी n माइनस टू आर रेस टू पावर n माइनस फोर कॉमन है इन ब्रैकेट. अब ये अगर ब्रैकेट के अंदर का ये वाला टर्म उस ब्रैकेट में से कॉमन निकालते तो यहाँ पे रहेगा एक्स स्क्वेयर, ये इट इज अ वाई स्क्वेयर एंड दिस इज जेड स्क्वेयर. सो वी गेट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर. क्योंकि यहाँ से ये टर्म अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यही फर्स्ट टर्म आएगा देन सेकेंड देन थर्ड. इसका मतलब है दिस वन. नाउ सेकेंड टर्म अगर ऑब्जर्व करते हो तो इसका ब्रैकेट के अंदर का सेकेंड टर्म तीनों का सेम है. दैट मीन्स थ्री टाइम्स एडिशन एंड थ्री टाइम्स एडिशन ऑफ आर रेस टू पावर एन माइनस टू इज थ्री आर रेस टू पावर एन माइनस टू. नाउ हियर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर दिस इज नथिंग बट आर स्क्वेयर.
सो इस ब्रैकेट के जगह पे आर स्क्वेयर लिखा है, बाकी सारे रिमेनिंग टर्म एज इट इज. ना हियर ये बेस टर्म सिमिलर है तो पावर्स का एडिशन होता है, जिसमें ये आर रेस टू पावर एन माइनस फोर प्लस टू इज नथिंग बट आर रेस टू पावर एन माइनस टू. सो एन इन ब्रैकेट एन माइनस टू आर रेस टू पावर एन माइनस टू प्लस थ्री टाइम्स आर रेस टू पावर एन माइनस टू. नाउ अगेन टेक द सिमिलर टर्म आउटसाइड. सो एन आर रेस टू पावर एन माइनस टू आउटसाइड, रिमेनिंग इज ये इट इज एन माइनस टू प्लस थ्री. सिंप्लीफाई दिस टर्म सो वी विल गेट एन प्लस वन, दैट मीन्स हियर एन इन ब्रैकेट एन प्लस वन आर रेस टू पावर एन माइनस टू, हिन्स वी गेट द प्रूफ. थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.